वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूं। आपको मेरे वीडियो के टाइटल से पता चल चुका होगा, लेकिन पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे वीडियोस पसंद किए और स्पेशली मेरा जो वीडियो था पैसे से खाना और पैसे को खाना, उसको मुझे बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और ऐसे ही प्यार देती जाइए। और उसको लेकर मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊं, पैसे से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको हैबिट्स बताऊंगी, 4 हैबिट्स जो आपको फॉलो करने हैं और जिससे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, जो आप सभी को फॉलो करना है, वो है स्टॉप इंक्रीजिंग ईएमआई। ईएमआई का मतलब कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये ईएमआई पे आजकल सभी सामान लेते हैं और कोई खराब की बात नहीं है, कोई इसमें खराबी नहीं है, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अपनी जरूरतों के अनुसार ही इस्तेमाल कीजिए, आप कोई भी सामान लाइए। ये नहीं कि आप टीवी भी ले आए, फ्रिज भी ले आए और फिर आपको उसका ब्याज ही आप भरते रहिए, जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम करेगा और आपकी नींद खराब करेगा, आपको टेंशन में रखेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपका पैसा सेव हो, तो स्टॉप इंक्रीजिंग ईएमआई। ईएमआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन अपनी जरूरतों के अनुसार कीजिए। उससे बढ़कर करेंगे तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं जो आप में से किसी को नहीं मालूम होगा, वो है कि ये जो ईएमआई है वो कहां से आया है। वो आया है अमेरिका एंड यूरोप से। वहां पर क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर वहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों का देखभाल करती है। और यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर भी बोला जाता है, इंडिया में भी, लेकिन यहाँ तब बोला जाता है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हमें वादा देती है कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे, जिसे कहा जाता है बेरोजगारी भत्ता। लेकिन क्या आपने सुना है कि ये होता है, हमें मिलता है? नहीं मिलता है हमें। लेकिन बाहर के देशों में, अमेरिका एंड यूरोप में, वहां की गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर वहां की गवर्नमेंट वहां के लोगों की देखभाल करती है। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप इंक्रीजिंग ईएमआई। आप ईएमआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन अपनी जरूरतों के अनुसार कीजिए। अब सेकेंड पॉइंट है, से नो टू क्रेडिट कार्ड्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल ना करिए, आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज लाते हैं, आप कोई सामान लाते हैं, तो उसका जैसे ही आपको मैसेज आता है, बिल आता है, आप उसको जल्द से जल्द चुका दीजिए। और इसका एक फायदा भी है, वो है कि आप अगर 30 से 45 डेज में आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट क्रेडिट फ्री मिलता है। जिसका मतलब कि आपने सामान खरीदा और अगर आपने 30 से 45 डेज में उसको चुका दिया तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड वाले आपसे फिर भी चाहेंगे कि आप बिल पूरा ना दीजिए। वो आपसे फोन पे यही कहेंगे कि आप 10% मैडम चुका दीजिए, उसके बाद अगले महीने वो जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर काफी ब्याज हो जाता है और ब्याज 36% से भी ज्यादा होता है। और ब्याज बहुत ही बेकार चीज है, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ब्याज ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है कि उनके ऊपर भारी ब्याज रहे। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप जैसे ही आपको बिल आए आप चुका दीजिए तो आप टेंशन मुक्त रहेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिए। कंट्रोल रखना, किसी भी चीज पे कंट्रोल रखना बहुत अच्छी बात है, उससे आपको टेंशन नहीं रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप रातों की नींद अपनी हराम ना करें, आपको अच्छी नींद आए, आप टेंशन मुक्त रहे, तो आपसे मैं यही कहूंगी कि आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करिए। और मेरी दादी जी हमेशा ये बात कहती थी कि उतना ही आपको पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी आपकी चद्दर हो, उससे ज्यादा फैलाएंगे तो आप टेंशन में रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिए,
उससे ज्यादा खर्च ना करिए, अपनी जरूरतों के, अपनी क्षमता के अनुसार ही आप कोई भी चीज करिए, तो आप खुश रहेंगे और आपको, आपकी नींद खराब नहीं होगी, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। तो ये था मेरा थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आप सभी फॉलो करेंगे तो आप खुश रहेंगे। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेक योर बजट। आप अपना बजट बनाइए, आप मंथ के स्टार्टिंग में ही अपना बजट बनाइए, जो भी आपके खर्च होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, जैसे कि आपको रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके जो भी लिस्ट है, जो आपको खर्च करना है महीने में, उसकी एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता रहता है कि हमारा ये खर्च है, हमें मंथ में ये खर्चा होने वाला है, तो हमें आसानी रहती है। इसीलिए आप बजट जरूर बनाइए, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बजट बनाइए और 50% अपने जो भी आपके खर्चे हैं घर के, उसमें आप खर्च करिए 50%। 30% आप क्या करिए कि हम सभी बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे पास ये हो वो हो, हम ऑनलाइन कोई सामान देखते हैं, हमारा मन करता है कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, तो आप 30% अपनी चाहतों पर लगाइए, और 20% आपकी जब सैलरी आपको मिले तो 50% आप खर्च पे लगाइए, 30% आप अपनी चाहतों पर लगाइए, और 20% जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप 20% सेव करिए। अगर आप चाहते हैं खुश रहना, और आप इमेजिन करिए कि आप महीने, हर महीने आप 20% जब आप सेव करेंगे अपनी सैलरी से, तो वो धीरे धीरे कितना उस अच्छी अमाउंट हो जाएगी, बड़ी अमाउंट हो जाएगी, और आप खुद आपको अच्छा लगेगा। और जब आपके पास पैसे रहते हैं, आप सेव करके रखते हैं, तो आप रिलैक्स रहते हैं, आप एकदम कॉन्फिडेंस रहते हैं, कॉन्फिडेंट आप रहते हैं एकदम। तो इसीलिए आप 20%, मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि आप 20% जरूर सेव करिए। आप चाहे कितना भी कमाते हो, कितना भी कम कमाते हो, लेकिन आप 20% जरूर सेव करिए। अगर 20% नहीं करते हैं तो 10% करिए, लेकिन सेविंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये थे मेरे 4 टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप खुश रहेंगे और आपके पास अच्छा पैसा रहेगा, आपके पास अच्छी सेविंग्स रहेंगी। तो इसीलिए आप ये जरूर फॉलो करिए, आप खुश रहेंगे, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। और ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी, बनाती रहूंगी। बस आप सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो ये था आज का टॉपिक और जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और चाहूंगी कि आप ये फॉलो करिए। अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, कहीं ना जाइएगा, आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देखिए, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आपको जरूर हेल्प करेंगे। अब मैं चलती हूँ, सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।